लॉकडाउन में फंसे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सीकर के नीमका थाना की जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। शहर के व्यापारी हों, ग्रामीण या फिर किसान, तमाम लोग जरूरतमंदों की सेवा में जुटे हैं। छाजा के नांगल और अहिरान के लोगों ने जरूरतमंदों के लिए आपड़ों गेहूं बैंक अभियान शुरू कर दिया है। जरूरतमंदों के लिए आपड़ों गेहूं बैंक अभियान। कोरोना संकट काल में खुलकर मदद कर रहे ग्रामीण। कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ ग्रामीण और किसान भी खुलकर सामने आ रहे हैं। सीकर के नीमका थाना इलाके में ग्रामीणों ने संकट काल में जरूरतमंदों के लिए आपड़ों गेहूं बैंक अभियान की शुरुआत की है, जिसका शुभारम्भ विधायक सुरेश मोदी ने किया। छाजा के नांगल और अहिरान के लोगों ने 31 क्विंटल गेहूं एकत्रित कर उपखंड प्रशासन को भेंट किया है। प्रशासन के साथ साथ और एक बड़ी सहायता के लिए पूरे किसान मदद कर रहे हैं। छाजा की नांगल ग्राम से 10 क्विंटल सभी ग्रामीणों ने सहयोग मिला है। कोरोना महामारी से लड़ाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज पाटनवाटी में 5 पंचायतों में गेहूं इकट्ठा किया। बिहारीपुर में 15 क्विंटल गेहूं, दावला पंचायत में 31 क्विंटल गेहूं और एक क्विंटल चना, 35 क्विंटल गेहूं बिहार पंचायत में और 1 क्विंटल चना, और 21 क्विंटल गेहूं और 1 क्विंटल चना डूंगा की नागल पंचायत। कोरोना महामारी में व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरीके से ठप हैं। लोगों के रोजगार छिनने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है। ऐसे मुश्किल वक्त में जरूरतमंदों के लिए ग्रामीणों और किसान भी पीछे नहीं हैं। हमने विधायक साहब की पहल पे और ग्रामवासियों के सहयोग से और युवा साथियों की लगन के साथ में 21.5 क्विंटल जो गेहूं इकट्ठा किया है। कोरोना महामारी के दौरान जो भी भूखे प्यासे लोग थे उनकी सहायता। सभी नीमका थाना के वासी इस प्रयास में है कि नीमका थाना तहसील में कोई भी भाई और बहन खाद्य सामग्री की वजह से भूखा नहीं सोए। कोरोना महामारी की इस जंग में प्रशासन को नीमका थाना की जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसके लिए प्रशासन को दानदाताओं, ग्रामीणों और किसानों से भरपूर सहयोग मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।